नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी। आडवाणी देश के सातवें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो 1998 से 2004 के बीच भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में गृह मंत्री रह चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। दसवीं और चौदहवीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी निभाई है। 2015 ने उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आडवाणी अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा रथ यात्राएं निकाल चुके हैं, जिनमें राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती यात्रा, भारत उदय यात्रा और भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा प्रमुख है। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन चंद आडवाणी और माँ का नाम ज्ञानी देवी है। 1947 में देश के विभाजन के समय आडवाणी का परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया। उनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी है। उनके बेटे का नाम जयंत आडवाणी और बेटी का नाम प्रतिभा आडवाणी है। 1980 से 1990 के बीच आडवाणी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए काम किया। लालकृष्ण आडवाणी 3 बार 1986 से 1990, 93 से 98 और 2004 से 5 भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। Sometime back, I heard about this news that my father, Shri L.K. Advani ji, is going to be conferred with the highest civilian award, the Bharat Ratna. My family and me are extremely delighted on this new development. I would like to thank the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for conferring this award on my father. My father has been in public life for many decades and his contribution to public life has been immense. And it is wonderful to note that at this stage of his life, his efforts are being recognized in this magnificent way. Once राम मंदिर की बात करें, आप लोग बीच खड़ा जाएगा।